नल्ले, तू परेशान क्यों है? क्या बात है? अबे जब तू गया था तो तू अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, और जब तू वापस आया तो तू रोता रोता आया है। क्या बात है, मुझको तो बता भाई। अरे भाई, अब तुम लोग को हम क्या बताएं, मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा खासा खुशी खुशी बस से जा रहा था, साली वहीं पे मेरे बिल्कुल बगल में साली एक औरत आई, खड़ी हो गई। आंटी जी, क्या किया तूने आंटी जी के साथ है? अरे सुन दो भाई। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ। अरे यार, अब मेरे बगल में खड़ी हुई थी समझे, और हमने उससे क्या सोचा, मेरे दिमाग में आया कि आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। हमने सोचा मेरे मन में भी कुछ अच्छा करने सोचा। अब आंटी जी खड़ी हुई थी, मेरे मन में आया कि ला इनको बैठा ले, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी जी आप खड़ी हैं ना, लाइए मैं खड़ा हो, आप मेरी जगह बैठ जाइए। साली गरमा गई। गुड, तू तो बहुत अच्छा हो गया यार। अरे नहीं यार, साली गरमा गई। और बताइए, बोली हमसे? पहले तो उसने मेरे तमाचा मारा, उसके बाद हमसे बोली कि मैं आंटी दिख रही हूँ। साली इतनी बड़ी उम्र की थी हरामजादी, और उसको सोच रही है कि मैं आंटी जी ना बोलूँ, उसको कहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरी गोदी में बैठ जा। साली कंजूड़ी है लड़की। ओ माय गॉड, इसके साथ तो खेल हो गया वाह। अबे ऐसे कैसे मार दिया? साली बहुत हरामिन थी लग रहा है ना। अबे तो तू भी उसका जूता पकड़ो, दिख मिला के एक तमाचा देता मिला के साली के। अरे नहीं यार, उसने जोटा नहीं था साली, हरम जैसी परकटी थी। अबे परकटी मतलब? अबे पगले लौंडो वाले बाल, लौंडो वाले लौंडो। ओ लेकिन भाई कोई कुछ भी कहो, आज का जमाना भलाई के जमाने बिल्कुल भी नहीं है। अब आंटी को आंटी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपनी औरत बना लेंगे क्या? वैसे भाई तुम लोगों को मैं बता दूं कि आज मेरी चाची घर पे आई हुई है, तो जरा कायदे रहना ठीक है? अच्छा भाई, दिख नहीं रही, कहाँ है, कहीं है क्या? अरे लो आ गई। आइए चाची। चाची नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अबे तेरी ऐसी की तैसी। अबे विनायक, ये तो वही बस वाली आंटी है। उप्स। आंटी बोला। साले की किस्मती झंड है। ठुल्लू 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 ठुल्लू।